हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, संडे का न्यूज़पेपर आज। तो आज एक्सप्लेन पेज हमारे सामने है। एक्सप्लेन पेज के दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आर्टिकल आपके बोडो अकॉर्ड के बारे में है। बोडो अकॉर्ड में किस तरीके से दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स को इससे काफ़ी नुकसान होएगा, उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा है इस बोडो अकॉर्ड से, ये इसमें है। मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है, नहीं बोडो अकॉर्ड के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो है जो द ट्रंप विजिट एज इंडियाज यूएस ट्रेड बूस्टर। देखो ट्रंप आ रहे हैं, आपको पता है 24-25 फरवरी की जो डेट है, और ये जो ट्रंप हैं ये 45th अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है इनकी जब से इनका इम्पीचमेंट ट्रायल चला है तब से, और अब जो है ये ट्रेड और टैरिफ पर बात करने आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि इंडिया के साथ एक मिनी डील साइन हो जाएगी, 10-15 बिलियन डॉलर की डील जो है साइन हो जाएगी। हालांकि मेजर डिफेंस डील होने के चांसेस हैं, लेकिन देखा जाएगा। ये आ रहे हैं सरदार पटेल स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, और जिस तरीके से मोदी जी गए जब टेक्सास में, तो इनका जिस तरीके से हाउडी मोदी करके स्वागत किया गया, वैसे ट्रंप का भी नमस्ते ट्रंप करके स्वागत किया जाएगा। और जितना सफल हाउडी मोदी इवेंट रहा उतना सफल इसको माने के जाने के चांसेस भी हैं। हालांकि ट्रंप ने तो कई बार ये अपने मुंह से भी कह दिया कि मेरे स्वागत के लिए 1 करोड़ लोग खड़े रहेंगे। यूएसए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दोनों एक दूसरे के स्टेबल पार्टनर रहे हैं, उतार चढ़ाव हमारे रिश्तों में इतने आए नहीं हैं, खास करके ट्रेडिंग के मामले में अगर बात करूँ तो। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा झटके यूएसए से हमको मिले। ट्रंप ने जब से प्रेसिडेंट जो ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफिस में जो है दाखिल दिया है, तब से काफ़ी ज़्यादा हम पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। और देखा गया कि इंडिया यूएसए का जो ट्रेड है वो 1999 से 2018 तक 16 बिलियन से 142 बिलियन तक हो चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट आई थी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की, उन्होंने कहा था कि यूएस और इंडियन ऑफिशियल्स पिछले कुछ सालों से टैरिफ्स पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेशंस पे डिसएग्री करते रहे एक दूसरे के से। यूएसए क्या कहता रहा, इंडिया क्या कहता रहा? इंडिया कहता कि टैरिफ जो है हम लगाएंगे, यूएस कहता टैरिफ हम लगाएंगे, इंडिया कहता नहीं हम डेवलपिंग कंट्री हैं। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, एग्रीकल्चर ट्रेड की भी बात थी यहाँ पे। सबसे बड़ा जो आज मैं कहता हूँ ट्रेड के मामले में यूएस और इंडिया के बीच के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है जिसे यूएसए काफ़ी खुश नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक आप जानते हैं कि एक तरीके का, जैसे आपके पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए। पेटेंट बेसिकली ऐसे तो साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए जाता है, कॉपीराइट जो होता है वो आर्ट एंड जो कल्चर से लिटरेरी या कोई बुक हो गया, कोई सॉन्ग होगा, कोई म्यूजिक वीडियो हो गई, उनके लिए जाता है। और ट्रेडमार्क आपके बिजनेस के लिए होता है, कोई बिजनेस आपका लोगो है, कोई बिजनेस का आपका कोई मॉडल है। तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, देखा जा रहा था कि यूएसए की कंपनियां जो भी इन्वेंशन करती, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसकी कॉपी भारतीय कंपनियां कर लेती थी और बिल्कुल सस्ते में, बिल्कुल जो आसानी से वो कर लेती। तो यूएस को काफ़ी चिंता थी कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनका सम्मान, और उनको जो है यहाँ पे इंडियन कंपनीज इसका ख्याल नहीं रख रही है। तो इंडिया की अगर मैं आपको बात करूँ, जब ये ट्रंप आ रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या है। और जब हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले जब से ट्रंप आए तब से ट्रेड डेफिसिट के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अब वो उन्होंने कह दिया यूरोपियन यूनियन के साथ हम करेंगे, और अब जो है फिर इंडिया के साथ उनकी बारी आई रही। देखो बात क्या है कि ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में यूएसए ने अपने ट्रेड डेफिसिट और कंट्रीज के साथ बढ़ा दिए, ट्रंप जब से आए हैं तब से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ट्रेड डेफिसिट हमारे जो नुकसान हो रहा है यूएसए में, और जिसका फ़ायदा चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज उठा रही हैं, उस फायदे को हम जो है यहाँ पे कम करेंगे और हमारा फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे। जबकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री को इतना जो मिलता है वो सफिशेंट था, उसके बावजूद भी यूएसए चाहता था कि इंडिया और यूएसए को इससे फ़ायदा ना मिले। हालांकि देखा जाए तो चाइना का ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ अगर हम देखें तो यूएसए के साथ यूएसए को नुकसान होता है हमारे ट्रेड से 23 बिलियन डॉलर्स का, और चाइना को नुकसान होता है 346 बिलियन डॉलर का।
तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है अगर देखा जाए तो ओवरऑल जितनी भी कंट्री यूएसए के साथ ट्रेड कर रही है, क्योंकि तो इतना ज़्यादा ट्रेड हम यूएसए के साथ करते नहीं है, ना ही यूएसए को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वजह से प्रायोरिटी हमारी नहीं रही, न्यू दिल्ली इंडिया को कभी भी फर्स्ट में रखा नहीं गया कि इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा डील करनी है। पूरा जो है टर्म बीत गया, टेन्योर बीत गया, तब जाके अभी डील बात हो रही है। इससे पहले चाइना के साथ जो है ट्रेड वार करना ज़रूरी था। चाइना के साथ ट्रेड वार चला, फेज़ वन डील कंप्लीट हो गई, चाइना को बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करके डील की गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे शब्द इस्तेमाल इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि चाइना जो फेज़ वन डील हुई है यूएसए और चाइना की, उसमें यूएसए को कहा, चाइना को कहा गया कि चाइना अब आने वाले 2-3 सालों में $300 बिलियन जो गुड्स है वो खरीदेगा यूएसए से। यानी अब जो है यूएसए अपना एक्सपोर्ट चाइना को करेगा $300 बिलियन का। भाई जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए, एक दूसरी बात, चाइना टैरिफ कम करेगा यूएसए के गुड्स पे, हटा देगा जो अब तक इसने लगा रखे थे ट्रेड वार के चक्कर में। दो चीज़ें हो गई, बदले में यूएसए क्या करेगा, कुछ भी नहीं। यूएसए कुछ भी नहीं करेगा, यूएसए ना टैरिफ कम करेगा चाइना से जो आ रहे हैं, ना कुछ और खरीदेगा चाइना से, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट फ़ायदा कौन उठा रहा था ट्रेड का, यूएसए का, चाइना। तो चाइना इस तरीके से घुटने टेक देगा ये तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से चाइना की स्थिति चल रही है, चाहे कोरोना वायरस हो चाहे वो इकोनॉमिक स्थिति हो, मुझे लगता है कि चाइना को जो है ये डील उसी चक्कर में करनी पड़ी। अब बारी है इंडिया की, इंडिया के साथ जिस तरीके से ट्रेड डील की बात हो रही है, $10 बिलियन की ट्रेड डील हो जाएगी, और हमारा भी ट्रेड वार ट्रंप के साथ चल रहा था, इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी चल रहा था। जिस तरीके से ट्रंप ने शुरुआत की टैरिफ लगाने की, भारत से जो स्टील और एल्युमिनियम आता है उन पे लगाना शुरू किया, जबकि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी शिकायत कर दी थी, उसके बावजूद भी वाशिंगटन ने ये देखते हुए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस 2019 में हटा दिए। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यूएसए का एक प्रोग्राम है जिसके तहत कुछ कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स यूएसए में भेज सकते हो और इस पर जो है टैरिफ कम ही लगेगा, और वो ये प्रोग्राम उन कंट्रीज़ को दिया जाता है जो डेवलपिंग हो और उनको फ़ायदे की ज़रूरत हो, जिनके प्रोड्यूसर्स को एक सहायता की ज़रूरत हो। क्योंकि भारत से आने वाला अगर कोई एल्युमिनियम मान लो, कोई स्टील मान लो, अगर वो यूएसए में जाता है, यूएसए उस पर अगर टैरिफ लगाता है तो इंडिया का सामान कैसे बिकेगा, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर चोट पहुँचेगी, तो ग्लोबल इकोनॉमी में डेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से यूएसए ने जीएसपी सिस्टम लाने की कोशिश की, जीएसपी सिस्टम के तहत जो है इंडिया को रिमूव भी कर दिया गया है। अब जीएसपी में जो है, अब जीएसपी से हमको भारत को करीब $5.8 बिलियन का फायदा होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जीएसपी से इंडिया को $5.8 बिलियन का फायदा होता था। इतना बड़ा नहीं है ये फायदा, लेकिन फिर भी एक संकेत था कि यूएसए अब क्या करना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है। क्योंकि अब ट्रंप आ रहे हैं, तो ट्रंप आ रहे हैं तो हमने कोशिश की थी कि इनके साथ जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वाला जो प्रोग्राम है वापस रीस्टोर किया जाए, ट्रंप को मनाया जाए कि आप ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वाला जो सिस्टम है उसमें हमको वापस जोड़ दो। हम ये सोच ही रहे थे तभी यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूएसए के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, बेसिकली जो ट्रेड के सारे मसले सोल्व करते हैं, उन्होंने डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में से इंडिया का नाम हटा दिया। अब इंडिया का नाम इन्होंने हटा दिया तो अब ये जो डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट थी, ये वो कंट्री की लिस्ट थी जिस ये कंट्री यूएसए में अपने प्रोडक्ट्स भेज सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है, और कभी भी यूएस उस प्रोडक्ट्स पर सवाल नहीं उठाएगा कि इन प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी कितनी दिया आपने किसानों को, फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को, या फिर क्या क्या भेज रहे हो, कुछ भी इसमें सवाल नहीं उठाएगा, डेवलपिंग कंट्री समझ के माफ़ कर दिया जाएगा। उस डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में हम थे, इस वजह से हमको जनरल सिस्टम में प्रेफरेंसेस मिला हुआ था, लेकिन अब चूंकि हम उस लिस्ट में नहीं रहे तो मुझे लगता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस अब वापस ले पाना काफ़ी मुश्किल होगा। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जब हटा तो भारत ने भी जो है शांत बैठने की कोशिश नहीं की, हमने भी टैरिफ लगाने की शुरुआत कर दी, और जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स आते थे यूएसए पे, ऑलमंड्स पे, वॉलनट्स पे, कैश्यूज पे, एप्पल्स पे, वीट पे, हमने भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। तो ट्रेड वार, एक मिनी ट्रेड वार हमारा भी यूएसए के साथ शुरू हो चुका था, और काफ़ी जो है यहाँ पे अगर मैं डेयरी सेक्टर की बात करूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन की बात करूँ,
तो हम कभी भी फ्लोइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आने देते थे, मतलब हम जो है डेयरी सेक्टर को बचा के रखते थे, क्योंकि जो ट्रंप प्रशासन है वो चाहता था कि इंडिया में जो डेयरी सेक्टर उस पर काफ़ी ज़्यादा हम पैसा लगाए। हमारा जो सेक्टर है बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, जो मिल्कमैन हैं, उनको हम प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी डेयरी सेक्टर इतना मजबूत नहीं हुआ है। ट्रंप ये चाहते थे कि इसमें जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे ताकि पैसा खूब सारा हमारे पास लौट के आए, तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं उनको नज़र आ रही थी, लेकिन हम जो है इस पर कभी भी अलाउ नहीं करते थे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैंने आपको बता ही दिया, और इंडिया ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाए थे। तो ये जो छोटे छोटे जो इशूज, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, छोटे नहीं कहूँगा इनको, है तो ये बड़े, लेकिन ये एक संकेत थे कि जिस तरीके से ट्रेड वार चल रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेटस चेंज कर दिया भारत का यूएसए ने, डेवलप्ड कंट्री अब हम हो गए हैं यूएसए के सामने, तो हम ट्रेड कंसेशंस अब कम ही ले सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है इस बात की कि अब जो हमारे वीज़ा वाली जो मुश्किलें थीं, भाई हमको भारत के जब या फिर यूएसए में कोई भी इमिग्रेंट नौकरी लेने आता था तो उसको H1B वीज़ा दिया जाता था, उनकी जो स्पाउस होती थी उसको H4 वीज़ा दिया जाता था, तो कुछ ही लोग थे, कुछ ही लोगों को अलाउ किया जाता था ये वीज़ा लेने के लिए। और भारत में अब जब से इसमें लिमिट लगाई गई है कि कुछ ही लोग आएंगे अमेरिका में नौकरियां पाने, क्योंकि अमेरिका में जॉब्स इतनी नहीं है, तो जैसा कि ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका अमेरिकन्स के लोगों के लिए नौकरी बचाए रखने की कोशिश की गई थी, तो इंडिया के जो प्रोफेशनल स्तर पर काफ़ी ज़्यादा खतरा आ गया था। सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि अब ट्रंप आ रहे हैं तो इस बारे में कुछ बात हो जाएगी, क्योंकि जो हाई वीज़ा फीस ट्रंप ने लगाई है इन पे कुछ जो है काम हो सकता है। कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट है? बिल्कुल है। हम यहाँ पे जो है इन्हीं एक ट्रेड डील तो करेंगे, चाहे वो मिनी हो लेकिन करेंगे तो सही, $10 बिलियन की होगी चाहे से, और अब देखा जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि मेजर ट्रेड डील हम अभी नहीं करेंगे, चुनाव के बाद से ही करेंगे, नवंबर 2020 के जो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद ही करेंगे। और इस वजह से यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनकी भी विजिट बाद में डिसाइड कर दी गई, क्योंकि ट्रेड के मामले में अब ट्रंप ने मूड बना लिया कि अब बाद में करेंगे, अभी एक मिनी ट्रेड डील कर देंगे, सिंपली ट्रेड एक स्मॉलर ट्रेड पैकेज अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है, जिसमें जो है इंडिया को भी कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा LNG जैसे यूएसए से, और कई चीज़ें हैं जो अब जैसे गैस इंपोर्टर जो पेट्रोनेट जो कंपनी है भारत की, वो यूएसए कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, तो ऐसी चीज़ें होंगी कि भारत जो है इन्वेस्ट करेगा यूएसए में, यूएसए वीज़ा में या ट्रेड कंसेशन हमको कुछ दे देगा, ये वाली चीज़ें। अब देखते हैं क्या होता है, इस पर स्पेकुलेशन लगाना भी गलत है, तो ट्रेड डील पे अनुमान लगाना भी गलत है। ट्रेड डील एक बार हो जाए उसके बाद जो है आप अपनी कॉपीज़ में नोट्स में नोट में ये लिख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो डिफेंस में एक बहुत बढ़िया डील होने वाली है, 24 लॉकहीड मार्टिन बिल्ट MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी के लिए हमने ये फाइनल कर दी है। इस परचेज को इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पहले भी क्लियर कर दिया है इन 24 हेलीकॉप्टर्स के लिए, और इनकी कीमत $2.4 बिलियन की बताई जा रही है। हम यूएसए से ये ले रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ड्रोन्स भी ले रहे हैं, एडिशनल P-8I लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी ले रहे हैं, साथ ही साथ रेथियन इंटेलिजेंस सर्विलियंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकनेंस एयरक्राफ्ट भी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी डिफेंस सेक्टर में मजबूती आएगी और ट्रंप के साथ रिश्ते भी सुधरेंगे। हालांकि मैं अगर ट्रेड वार की बात करूँ, अगर मैं जियोपॉलिटिकल वार की बात करूँ, जैसे यूएसए में जब ट्रंप जीत के आए तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं जो लड़ रहे हैं दुनिया में, अफगानिस्तान में चाहे सीरिया में, वो अपनी जान गंवा रहे हैं, हमारा भी पैसा बह रहा है, तो उनको मैं सबसे पहले लेके आऊँगा, ये मेरा सबसे बड़ा वादा है।
यूएसए ने जब ये कहा तो काफ़ी वाहवाही हुई कि अच्छी बात है, अब यूएसए के जो ट्रुप्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो खर्च हो रहे हैं, चाहे वो सीरिया हो चाहे अफगानिस्तान, वो रुक जाएगा। सीरिया में ट्रंप ने अपने जो फोर्सेस थी उनको वापस बुला लिया। अफगानिस्तान में भी बात चल रही है कि अब देखो अफगानिस्तान में तालिबान का आधा टेरिटरी कंट्रोल्ड है। तालिबान अफगानिस्तान में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो घानी थे वो जीत के भी आए। हालांकि अपोजिशन उन पर आरोप लगा रहा है कि इन्होंने जो है इलेक्शन में गलत तरीके से काम किया है, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वो रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में सिविल वार चल रहा है। तालिबान कहता है हमको चाहिए तालिबान, वहाँ की सरकार कहती है हमारा है तालिबान, हमारा है जो पूरा अफगानिस्तान। यूएसए कई सालों से तालिबान से लड़ रहा है अफगानिस्तान में। ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि तालिबान को हराने में ये बिल्कुल नाकाम रहा है। एक समय था जब नाटो के फोर्सेस ने तालिबान को बिल्कुल धकेल दिया था, लेकिन नाटो के फोर्सेस भी विड्रॉ करती गई और यूएसए ने भी अपने फोर्सेस को विड्रॉ करने का फैसला ले लिया है। तालिबान पीस एग्रीमेंट कुछ भी नहीं होगा, केवल यूएसए अपने ट्रूप्स को वापस ले जाने का एक एग्रीमेंट होगा, जिसके तहत हो सकता है वह तालिबान को अगर ऐसा कह दे कि तुम जो है अब वॉयलेंट मेथड नहीं अपनाओगे, बॉम्बिंग नहीं करोगे, शांति से काम करोगे, ये एग्रीमेंट ही कह देगा। लेकिन ये एग्रीमेंट किस हद तक सुनिश्चित करेगा कि तालिबान आगे फ्यूचर में टेररिस्ट अटैक्स नहीं करेगा या फिर जो है वॉयलेंट रुख नहीं अपनाएगा, ये चीज़ का भरोसा यूएसए की तरफ से अभी तक नहीं आया। और ट्रंप को आप जानते ही हैं, तालिब एक बार पीस एग्रीमेंट हो गया भाई सीरिया में से तो ट्रंप ने अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए, तुर्की ने साथ की साथ पीछे से जाके जो रिबेल्स हैं सीरिया में उन पर हमला बोल दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि हम जा रहे हैं तुम मत आ जाना, लेकिन ट्रंप ने कहा, टर्की ने कहा जाओ जाओ जाओ, जो करना है कर लो, हम जो है यहाँ पे सीरिया में घुस के हमला करेंगे। अफगानिस्तान में अगर पीस एग्रीमेंट हुआ, ट्रंप अपने ट्रूप्स को अगर बाहर बुला लिए, जो कि पूरी तरीके से अभी फाइनल है कि बुला लेंगे, तब तालिबान का इन्फ्लुएंस और बढ़ता जाएगा। और तालिबान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान के रिश्ते भारत के पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर और कई हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं उनमें हमला करने की कोशिश करेगा, इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमको झेलना पड़ेगा। तो इसमें ट्रंप जब आप भारत आ रहे हैं तो हो सकता है मोदी जी इसमें कुछ बात कर सकें, कि कुछ जो है अश्योरेंस ले सकें कि हमारे जो अफगानिस्तान है उसमें किस तरीके से आप काम करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे ऊपर जो मुसीबत आ जाएगी, भाई आप इतने सालों से हैं अफगानिस्तान में, तालिबान को रोकने में नाकाम आप हो गए तो थे ही क्यों, अब कुछ नहीं है पीस एग्रीमेंट, केवल ये पीछे भागने का रास्ता ही है। केवल ट्रंप को जो है, ऐसा नहीं हो कि ट्रंप को अपने घर में जाके, अपने होम में जाके, यूएसए में जाके उन पर सवाल उठे कि अफगानिस्तान में इतना पैसा खर्च किया गया, उसका क्या फ़ायदा निकला। तो ट्रंप ने क्या है, पीछे से पीस एग्रीमेंट करने की कोशिश की ताकि दिखा सके, देखो अब तक जो सरकारें नहीं कर पाई वो पीस एग्रीमेंट मैं करके लाया हूँ, और उस पीस एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं होगा, जबकि केवल पीछे हटने का होगा, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स, तो ये वाली बात है। सीरिया के सिविल वॉर की बात, और ये करने से पहले मैं आपको बोर्डो का बता देता हूँ। देखो बोडो अकॉर्ड हुआ उसके बारे में आप पढ़ लेना, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जो बोडो जो लैंग्वेज है उसकी देवनागी तो स्क्रिप्ट है, और बोडो ऐसी लैंग्वेज है, ओनली ट्राइबल लैंग्वेज है जो हमारी ऑफिशियल स्टेट है जिसको मिला हुआ है। और बोडो अकॉर्ड तीन बार हो चुका था, 1993, 2003 में, लेकिन असफल हुआ है, तीसरी बार अब है, ठीक है, दो बार जो असफल रहा, तीसरी बार अभी हुआ है। और अच्छी बात यह है कि जितने भी बोडो ऑर्गेनाइजेशन थे सब इसमें शामिल थे, लेकिन बोडो के जो नॉन बोडो जो ग्रुप्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, उनको वो कह रहे हैं कि हमको जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, कई चीज़ें जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। हालाँकि यूपीएससी के लिए बोडो अकॉर्ड जो है आपका पढ़ना ज़रूरी है, और इसके बारे में जो है जानकारी आप लेते रहना। सीरिया की बात करता हूँ, सीरिया के सिविल वार की बात करता हूँ। देखो सीरिया की जो इदलिब एक शहर है सीरिया में, मैं आपको एक बार मैप दिखा, ये हमारा भारत, भारत से जब हम वेस्ट एशिया की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीज दिखती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सीरिया, ये इराक और ये टर्की, ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है।
तो सीरिया में जो जो इदलिब शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यूज में रहा और जिस पे पूरा आर्टिकल है, वो ये है। पहले तो शहर देख लो, ये इदलिब शहर है, ठीक है, टर्की के बिल्कुल बॉर्डर के पास में, और सीरिया का एक जो है काफ़ी बड़ा शहर है जिस पे जो सीरिया के लड़ाके थे उनका कब्जा था। अब एक बार इसकी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो इदलिब शहर आपने देखा, इदलिब में लड़ाकुओं का कब्जा था। सीरिया में आपको पता है बशद अल असद की सरकार है, और कुछ जगहों पे वहाँ के जो लड़ाके हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। वो नहीं चाहते कि बशद अल असद सरकार चलाए। तो बशर अल असद अब तक टिके हुए कैसे हैं, क्योंकि रशिया और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया और ईरान दोनों मिलके चाहते हैं कि बशर अल असद पूरे सीरिया को कब्जा कर ले और लड़ाकों को बाहर निकाल दें। इसी मिशन के तहत इन्होंने इदलिब जो शहर है वहाँ पे कब्जा कर लिया। देखो सीरिया में अब तक यूएसए की प्रेजेंस थी, यूएसए कुर्द को सपोर्ट करता था, कुर्द रिबेल थे, लड़ाके थे वहाँ के, और जब तक यूएसए कुर्द को सपोर्ट करता आया था तब तक कुर्द के पास अपनी जगह थी, अपनी टेरिटरी थी, अपना शहर था। और इसी वजह से प्रेसिडेंट बशर अल असद, जिनको रशिया और ईरान सपोर्ट कर रहा है, वो इतना ज़्यादा रिबेल्स को परेशान नहीं कर पाए थे। लेकिन जब से मैंने कहा कि ट्रंप ने वादा किया था कि मैं अपने ट्रूप्स को बाहर बुला लूँगा, हाल ही में अपने ट्रूप्स को सीरिया से जब से बाहर बुलाया, ट्रंप टर्की ने पीछे से जो है एंट्री ले ली, और टर्की ने पीछे से एंट्री लेके सारे रिबेल्स पे हमला शुरू कर दिया। तो कुर्द को केवल सपोर्ट करने वाले यूएसए थे, यूएसए अब पीछे हट गया, तो अब उसको एक तो बशर अल असद से सामना करना पड़ेगा, रशिया से सामना करना पड़ेगा, ईरान से सामना करना पड़ेगा, और टर्की पीछे से घुस गया। तो अभी जो रिबेल्स हैं ये बेसिकली इनको अपने ही शहर से भगाया जा रहा है, और टर्की ने इस बात पे प्रोटेस्ट जताया है, इस बात पे गुस्सा दिखाया और थ्रेटन करने की कोशिश की है कि टर्की जो है रशिया के साथ रिश्ते तोड़ देगा और ऐसा चला। तो अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, टर्की खुद कुर्द पे हमला करता है, और जब प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार किसी और रिबेल्स पे हमला करती है, जैसे इदलिब को कैप्चर किया गया, लड़ाकों को वहाँ से हटाया गया, तो टर्की प्रोटेस्ट क्यों करता है, टर्की चाहता क्या है। देखो एक जो मैंने इदलिब बता दिया, इदलिब की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि टर्की के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और काफ़ी ज़्यादा जिहादिस्ट और रिबेल्स यहाँ पे रहते हैं, और ये जो रिबेल्स थे लड़ाके थे ये इदलिब ही नहीं बल्कि जो कई ज़्यादा शहर जैसे अलप्पो, हामा, होम्स, और यही नहीं बल्कि जो कैपिटल थी सीरिया की डमास्कस, उसके कुछ जगहों पर भी इनका कंट्रोल था। इनका कंट्रोल बढ़ता चला गया, और लेकिन जब से 2015 में रशिया ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार को, तब से धीरे धीरे सीरिया की सरकार ने धीरे धीरे जो टेरिटरीज एंड रिबेल से छुड़ाने शुरू कर दिए, और फिर यूएसए की एंट्री हो ही गई थी क्योंकि यूएसए ने जो रिबेल्स को मदद करनी शुरू कर दी थी, लेकिन यूएसए तो हट गया पीछे। तो इसका मौके का फ़ायदा देखते हुए जो इदलिब था उस पे प्रेसिडेंट ने अटैक कर दिया बशर अल असद ने, और वहाँ पे इदलिब को छुड़ा लिया, वो पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। अब इस लास्ट ये जगह मानी जा रही है, इदलिब लास्ट ये शहर माना जा रहा है जहाँ पे रिबेल्स का कंट्रोल था। मिस्टर असद अब जीत गए हैं, बशर अल असद अब जीत गए हैं। अब पूरे सीरियन जो सिविल वार था जिसमें रिबेल कहते थे हमारी सरकार मिले, असद कहते थे हमारी सरकार है, वो सिविल वार अब एंड हो चुका। अब पूरी सीरिया पे असद का कंट्रोल है, रशिया और ईरान की मदद से असद जीत गए हैं, और अब जो है बेसिकली यहाँ पे सारा जो इलाका है उस पे सरकार का कब्जा हो जाएगा, चाहे वो हाईवे हो चाहे वो कोई भी हो। थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पे कुछ कुछ कब्जा है, लेकिन वहाँ पे भी जो है सरकार छुड़ा लेगी, बस बशर अल असद रशिया के साथ मिलकर छुड़ा लेंगे। इदलिब पे कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि कई सारे रिबेल्स थे, टेररिस्ट ग्रुप्स मैं नहीं बोलूँगा इनको, हयत तहिर अल शम और कई थे जिनको अलकायदा से जो जुड़े हुए थे, और कई जो ऐसे ग्रुप्स थे जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। तो कुर्द अलग है और ये जो जिहादी ग्रुप्स है ये अलग है। कुर्द जो है वो सीरिया में ही रहते हैं, और वो कई बार इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट मतलब ये प्रेसिडेंट की जो असद की जो सरकार है वो नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा टर्की प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, ये सवाल जो है आप सोच रहे होंगे, सवाल का जवाब क्या है।
देखो, जब से बशर अल असद ने रिबेल्स पे हमला शुरू किया है, तब से ये रिबेल जो है अपने घर को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सामने इनको एक ही चीज़ देखती है, सीरिया में जाएंगे तो बशर अल असद मारेगा, आगे जाएंगे तो टर्की दिखता है तो टर्की में घुसेंगे। टर्की ने 3 मिलियन 30 लाख सीरियन रिफ्यूजीज़ को अपने पास रखा है अब तक। वो अब जिस तरीके से शहरों पे हमला हो रहा है प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार के द्वारा, तो और रिबेल्स वहाँ से निकल के भागेंगे और लड़ाके वहाँ से डिस्प्लेस होएंगे। और वही चीज़ कि उनको टर्की में ही वो घुसने की कोशिश करेंगे, टर्की ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। टर्की कितने रिफ्यूजी लेगा और खुद के लोगों को संभालेगा कि डिस्प्लेस लोगों को संभालेगा? तो टर्की यहाँ पे ये सिचुएशन को ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहता। तो टर्की यहाँ पे चाहता है कि हम कितने रिफ्यूजीज हम यहाँ पे लेंगे, इस वजह से वो चाहता है कि प्रेसिडेंट बशर जो अल असद की सरकार है वो इन पे हमला नहीं करे, रिबेल्स पे लड़ाकों पे हमला नहीं करे, क्योंकि वो हमारे पास आते हैं सीधे। दूसरी चीज, टर्की ये चाहता है कि ना सीरिया पे जो बॉर्डर इलाका है, सीरिया और जो टर्किश बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पे ना सीरिया की सरकार का कब्जा रहे, यानी कि असद की सरकार का कब्जा नहीं रहे, ना सीरिया के कुर्द का कब्जा रहे। सीरिया के कुर्द में और सीरिया की सरकार में बनती नहीं है, और दोनों से टर्की की बनती नहीं है। टर्की क्या चाहता है फिर? टर्की चाहता है ऐसे रिबेल वहाँ पे रहे जो प्रो टर्किश हैं, और इस वजह से इसने काफ़ी हमले भी किए थे पिछले कुछ महीनों में, एक बफर जोन बनाने की कोशिश की थी ताकि वहाँ पे लोग रह सकें। तो सीरियन गवर्नमेंट ने अब इदलिब को कैप्चर कर लिया है, सीरियन गवर्नमेंट ने अपना जो हक उस पर जमा लिया है। तो टर्की को अब यहाँ पे दो नुकसान होंगे, एक तो रिफ्यूजी आएंगे, दूसरी बात ये जो चाहता था कि बॉर्डर इलाके में सीरिया की सरकार का कब्जा नहीं रहे, वो सीरिया की सरकार का कब्जा आ जाएगा तो टर्की की जो इम्पोर्टेंस है कम होती जाएगी। और प्रो टर्किश अगर रिबेल, ऐसे रिबेल जो टर्की को सपोर्ट करते हैं, वो कमज़ोर होते जाएंगे, और इस वजह से टर्की जो है वो सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो प्रो टर्किश रिबेल्स को सीरिया की सरकार मार मार के भगा रही, सीरिया की सरकार ने कब्जा कर लिया, और जो रिबेल्स हैं वो टर्की में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो टर्की के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और टर्की ने जो है कहा है कि रशिया के साथ हम रिश्ते तोड़ देंगे, क्योंकि पता है कि असद की सरकार को रशिया सपोर्ट कर रहा है। पुतिन क्या चाहते हैं यहाँ पे? पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, वो हमेशा से सीरिया की सरकार को सपोर्ट करते हुए आए हैं, और सीरियन सिविल वार में जो उनकी जीत हैं उनके सबसे बड़े हकदार वही हैं। रशिया ने कई सारे प्लान्स अपनाए, डिस्कलेशन एग्रीमेंट अपनाया ताकि ये जो वॉयलेंस है वो कम कर सकें, लेकिन कई बार जो है ये देखा गया, और कई बार ऐसी कोशिशें की गई कि कुर्दिश रिबेल्स को भी शांत किया जाए, कभी भी ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने जो है आखिरकार इदलिब को कैप्चर कर ही लिया और सिविल वॉर को शांत करने की कोशिश की थी, और जहाँ रशिया का इंटरवीन होता है वहाँ पे यूएसए भी आ जाता है। तो रशिया सरकार को सपोर्ट कर रहा था, और सरकार के सामने जो रिबेल खड़े थे उनको यूएसए सपोर्ट कर रहा था। यूएसए में इलेक्शन आ गए, ट्रंप ने इलेक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और ट्रूप्स बाहर निकाल ही लिए। टर्की को एक बार हमला तो की, टर्की को एक बार जो है चेतावनी तो दी थी कि टर्की जो है पीछे से मिलके रिबेल्स पे हमला नहीं करेगा। टर्की जो है ऐसा नहीं है कि अपने जो प्रो टर्किश रिबेल्स हैं उनको तो छोड़ दें, बाकी जो रिबेल्स इसके सामने खड़े हुए हैं उन पर हमला कर दें, है ना, ऐसा नहीं करेगा। टर्की से चेतावनी दी थी, लेकिन इलेक्शन आ गए, ट्रंप का ध्यान हट गया। टर्की ने यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया, बॉम्बिंग भी की, और इसी का फ़ायदा सीरिया की सरकार ने उठाया, इदलिब को कैप्चर कर लिया, पुतिन ने भी इसका फ़ायदा उठाया। तो अब जो है देखा जाए तो इस तरीके से पूरी तरीके से सिविल वार और ख़त्म किया जा सकता है। एक साल के अंदर अंदर ये पूरी सीरिया पर कब्जा करना चाहते हैं, और इस वजह से जो है ये बताता कि क्यों इसी समय अटैक हुआ, क्योंकि यूएसए में इलेक्शन चल रहे हैं। अब देखते हैं कैसे काम होता है। टर्की जो है अगर फुल स्केल वार लॉन्च कर दें तो चारों तरफ से ये इसके परिणाम काफ़ी डिजास्ट्रस होंगे। मैं कहता हूँ वर्ल्ड जो अभी ऑर्डर चल रहा है काफ़ी ख़तरनाक चल रहा है, और ईरान के जो लीडर थे उनको यूएसए ने मार दिया, वो मुद्दा शायद दब गया, लेकिन अब ये सामने आया है। तो मिडल ईस्ट जो है वो हमेशा से इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहा है, कभी किधर कभी किधर, कभी कहाँ सिविल वार कभी कहाँ सिविल वार। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस।